फ्रेंड हैं जो रात को भी मेरे पास आई थी। और ये शॉल मैं आपको दिखाती हूँ, फुल लगकर नजर आए। चाट भी मंगवाते हैं। और की भूख लगी हुई है तो चलते हैं वहां जाके वीडियो बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब की दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और मुझे जाना है एक जगह काम। और मुझे कहाँ जाना है, अभी मेरी एक फ्रेंड है जो रात को भी मेरे पास आई थी, तो फिर हमने प्लान किया था आज आउटिंग पर जाने का, कुछ शॉपिंग करने का। तो बस अभी वो आएंगी मेरे पास और मुझे पिक करेंगी। वो आउट ऑफ कंट्री से आई हैं, जो कि मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, बल्कि पहले सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद मेरी फ्रेंड हैं। तो ज़ईम को जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हमें टाइम देने के लिए, इसलिए हमने डिसाइड ये किया कि मैं उनको पूरा टाइम दूंगी और वो मुझे टाइम देंगी, और इस तरह से जो है शॉपिंग भी हो जाएगी और आउटिंग भी हो जाएगी और हम लाहौर की थोड़ी सी सैर भी कर लेंगे। तो बस अभी मैं सोकर उठी हूँ और मुझे उनकी कॉल आई है कि मैं बस आने वाली हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जाती हूँ, शावर लेती हूँ, रेडी होती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ और बस मैं निकल रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। और आज का जो मेरा लुक है मैं आपको वो दिखाती हूँ। मे बी इस मिरर में नज़र आए, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने पहना है ग्रीन एंड ग्रीन कलर का ड्रेस है और ये शॉल है, मैं आपको दिखाती हूँ फुल लगकर नज़र। तो जी ये रहा मेरा फुल लुक और अब चलते हैं क्योंकि बाहर हमारा वेट हो रहा है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लिप के साथ। बाय बाय। और जी अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ एमएम आलम रोड। और किस किस को लाहौर एमएम आलम का पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी शादी को बहुत सारा से 5 साल हो गए हैं, आप सबको पता भी है। इन 5 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के बग़ैर इस तरह से बाहर किसी और के साथ गई हूँ। और इवन कि मैं अपनी बहन के साथ भी जब भी कभी जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही होते हैं। अब ये नहीं कि वो जाने नहीं देते, बस वैसे ही हमारा होता है कि भाई यार हम एक साथ ही जाएँगे जहाँ भी जाएँगे। तो ये मुझे जो है ना अपनी बेटी बोलती हैं, ज़ईम को जो है अपना बेटा बोलती हैं। तो इनकी जो मोहब्बत है ना हमारे से, वो बगैर किसी मकसद के है, जो कि नज़र भी आती है और पता भी लग रहा होता है। ये किसी किस्म का इनको लालच नहीं, ना हमें इनसे ना उनको हमसे, और बहुत 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 ज़्यादा जो है ना ये हमें मोहब्बत देती हैं, इज़्ज़त देती हैं, और इसी तरह हम भी इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। तो बस अभी हम आए थे यहाँ पे हनीफ ज्वेलर्स, और उस हनीफ ज्वेलर्स का किस किस को पता है आपने कमेंट बॉक्स में ये भी मुझे बताना है। और उसके बाद हम जाएंगे सना सफीनाज पे, वहाँ पे करनी थी कुछ शॉपिंग। और उसके बाद आज का जो डिनर है वो होगा मेरी तरफ से। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत टाइम के बाद इस तरह से मैं बाहर निकली हूँ, मैंने शॉपिंग की है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि जो मेरे ये 2-3 दिन गुजरे हैं ना, वो मैं कहती हूँ कि 2023 के ये गोल्डन डेज थे मेरे लिए। और अभी क्या हुआ कि हमारे साथ हो गया एक बहुत बड़ा फ्रॉड ही बोलूँगी, क्योंकि ये आप जो शकरकंदी देख रहे हैं ना, ये एमएम आलम रोड पे जो है ना, ये बंदा स्टॉल लगाकर जो है खड़ा हुआ था और हम इसके पास गए। हमने इसको बोला कि जी हमें शकरकंदी खानी है, शकरकंदी मीन्स स्वीट पटैटो, और आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने इनसे जब शकरकंदी ली है ना, तो लेकर हम बैठ कर खाने लगे, जब बिल की बारी आई तो उन्होंने हमें बोला जी 900। हमने कहा व्हाट 900? एक प्लेट मेरी थी, एक मेरी फ्रेंड की थी और एक ड्राइवर की थी। तो हम हैरान रह गए। ज़ईम और मैं जब भी खाते हैं 50 या 100 रुपीज़ की जो है हम एक प्लेट बनवा लेते हैं, और ये थी 300 की एक प्लेट। असल में इन्होंने हमारे साथ गलत बयानी की, जस्ट हमने इनको शकरकंदी का बोला और उन्होंने हमें 300 की जो है ना एक प्लेट बना कर दे दी।
और बात पैसों की नहीं थी, बात ये था कि इनको हमसे पूछना चाहिए था कि आपको कितने की प्लेट चाहिए। और कुछ गलती हमारी भी थी, हमें भी इनसे पूछना चाहिए था कि जी कितने की है और आप कितने की देंगे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा और ना ही उन्होंने हमसे पूछा। मेरे जहन में यही था कि 50 या 100 रुपीज़ की आ जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें उस टाइम बैड फील हुआ कि यार ये गलत हुआ है। और वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, हमने उनसे पूछा कि आप कितने की खा रहे हैं लेकर, तो उन्होंने भी बताया कि 50 रुपीज़ की लिए, कोई कह रहा है 100 रुपीज़ की लिए। तो मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने इन भाई को बुलाकर जो है ना काफ़ी यानी कि कहा भी कि आपने गलत किया है हमारे साथ, बात पैसों की नहीं है, बात गलत बयानी की है, आपने 300 की हमें जो है ये शक्करकंदी ही दे दी है। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी कभी आप इस तरह स्टॉल्स पे जाएं और कोई चीज़ लेने लगें, तो पहले आप हमेशा प्राइस पूछा करें, उसके बाद आप लिया करें। और उसके बाद हमारा हंस हंस के इतना बुरा हाल कि अभी तो हमने इतना कुछ खाना था और शकरकंदी ने जो है ना हमारा पेट भी फुल कर दिया, और शकरकंदी की जो कीमत है ना उससे हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा दिल बुरा हुआ। तो 300 जो है ना एक बिग अमाउंट नहीं है, लेकिन शकरकंदी की आप क्वांटिटी देखें उस हिसाब से टू मच था। तो यहाँ पे हमने इनको यही कहा कि आप असल में हमारी बातें सुन रहे थे, वो बता रही थी कि मैं ऐसे आउट ऑफ कंट्री से आई हूँ, हमारे वहाँ पे ऐसे ऐसे। तो इन्होंने इस तरह से जो है ना रेट बढ़ा कर हमें जो है धोखेबाजी से जो है ना इन्होंने हमें शक्करकंदी दी। तो अच्छा, ऊपर से हमने उनको टिप भी दी, हमें तो पता ही नहीं था ना पहले, टिप भी हमने दी। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी सॉरी मैं आपसे माजर चाहता हूँ, आप ऐसा करें कि मैं आपको ना पैसे वापस कर देता हूँ। तो फिर हमने बोला कि नहीं आप पैसे वापस ना करें, इन्हीं पैसों से आप किसी और गरीब को जो है ना खिला देना, जो भी कोई आएगा। तो फिर हमारे सामने दो लोग आए थे, उन्होंने उनको हमारे सामने जो है ना शकरकंदी खिला दी थी। तो बस ये एम एम आलम रोड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है, ब्रांड्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है जाने का। तो शकरकंदी खाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ जूसेस वगैरह पिए और अभी हम आए हैं सना सफीनाज और यहाँ पे हम कर रहे थे शॉपिंग। करें तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे, ओ सजनी पास बुला के दिल आज टूटा है, आज टूटा है। मुझे दे जाए इधर, चले इधर ही हूँ मैं। तो अभी हम आए हैं सना सफीनाज पे और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ रेडीमेड ड्रेसेस लेने थे जो कि ले लिए हैं और कुछ जो है अभी निकलवा रहे हैं जी। ओह सॉरी, मुझे लगा मुझे बुला रही हैं। तो आज का दिन जो है ना बहुत अच्छा गुजरा है ज़ईम के साथ ही। इन 5 सालों में मैं जब भी कहीं गई हूँ ज़ईम मेरे साथ हुए हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम है कि ज़ईम को इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मैं जिनके साथ आई हूँ और ये बहुत ज़्यादा जो है मुझे प्यार करती हैं, बहुत इज्जत देती हैं और मुझे अपनी बेटी बोलती हैं, इसलिए मैं इनके साथ रही हूँ। वैसे मैं इनको बाजी कहती हूँ। तो अभी बस हम जो है यहाँ पे ड्रेसेस पसंद कर रहे हैं कल। तो जी यहाँ पे सना सफीनाज पे जो है बहुत ही आउट क्लास किस्म की जो है ना सेल लगी हुई थी, 50%, 60% एंड 40%। तो इसके अलावा और भी बहुत से ब्रांड्स के ऊपर जो है ना सेल लग चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि 8,000, 6,000 का जो आपने ड्रेस लेना है, अगर वो आपको 3,000 में, 2,000 में, 4,000 में मिल रहा है, तो इससे अच्छा चांस आपके पास हो ही नहीं सकता। आप जाएं 2-4 ड्रेसेस खरीद के आप उसको रख लें, नेक्स्ट ईयर आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता की तो आप वो ड्रेस स्टिच करवाना और विंटर्स के स्टार्टिंग में जो है न्यू ड्रेस पहनना। तो अच्छा 70% पे भी लगी हुई है, ज़बरदस्त, यानी कि 70% भी लगी हुई है।
तो अब यहाँ पे हम सना सफीना से फारिग होने के बाद हम सीधा जाएंगे घर, और ज़ईम जो हैं जॉब से आ चुके हैं और 8 बज गए थे यहाँ पे, और घर जाते जो हम निकलेंगे खाना खाने के लिए। और जी बस अभी मैं घर आई थी और अब हम जा रहे हैं बटकराही खाना खाने के लिए। तो बटकराही जाकर व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बहुत बहुत जोर की भूख लगी हुई है, तो चलते हैं वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं। और जी यहाँ पे बर्ड कराई हम आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दोबारा से दिल कर रहा है मेरा यही वाला खाना खाने पे। तो बर्ड कराई जिसने अभी तक नहीं ट्राई किया, रिक्वेस्ट है कि ज़रूर 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 आए लाहौर और बर्ड कराई को आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे हमने मंगवाई थी देसी घी में मटन कराही, इसके अलावा हमने मंगवाए थे ये कबाब और साथ में मलाई बोटी मंगवाई थी। राइस हमारा खाने पर दिल नहीं कर रहा था, बस हमारा यही था कि हम इस तरह से नान मंगवाएं, रोगनी नान थे यहाँ पे, और साथ में हमने ज़ईम ने जो है अपने लिए चाइनीज़ की एक प्लेट मंगवाई थी जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और खाना खाने के बाद जो है हम आए थे यहाँ पे जेती का पान खाने के लिए। जेती का पान बहुत ही मज़े का होता है और मैंने जो मेरी फ्रेंड हैं उनको भी जो है जेती का पान टेस्ट करवाया, उनको भी बहुत पसंद आया, उनको पैकिंग बहुत अच्छी लगी जेती के पान की। तो आज का जो मेरा व्लॉग है होता है यहीं पे दी एंड। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद, अल्लाह हाफिज़। और एक बात, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाते जाते सब्सक्राइब कर लें, इसके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, ये फ्री है। बेल आइकन को भी आपने ज़रूर दबाना है। तो जी अल्लाह हाफिज़।